अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। माई सेल्फ डॉक्टर बुशरा अब्रार, BMS MD इल्मुल अदविया। तो चलिए हम लोग इल्मु सेअदला में आज एक नया टॉपिक लेते हैं। ये आपके चैप्टर 7 में से है इल्मु सेअदला के। ये है अमल तस्फिया। अमल तस्फिया किसे कहते हैं? अमल तस्फिया कहते हैं साफ़ करना, और इसको इंग्लिश में हम क्लैरिफिकेशन भी कह सकते हैं, प्योरीफिकेशन भी कह सकते हैं। अभी अमल तस्फिया क्यों किया जाता है, इसका क्या मकसद होता है, उसकी डिटेल हम आपको बताते हैं नीचे। अमल तस्फिया क्या है? हर वो अमल जिसके ज़रिए किसी खाम दवा से उसके दाखली व खारजी कसाफतों को अलग किया जाए। इसमें क्या होता है, किसी ख़ाम दवा से, यानी कि उस दवा का जो रॉ मटेरियल होता है, जो ख़ाम दवा होती है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ शामिल हो जाती हैं। कुछ तो इम्प्योरिटीज़ दाखली होती हैं, यानी कि जो इंटरनल कंपोनेंट होती हैं दवा का, उन्हें हम कसाफत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम उसे दवा के तौर पे कोई उसका इफ़ेक्ट नहीं होता, एक्शन नहीं होता, इसलिए हमें दवा से उस पार्ट को अलग करना होता है। और दूसरा खारजी कसाफतें होती हैं, यानी कि एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ दवा के ट्रांसपोर्टेशन में और मुख्तलिफ प्रोसेस में, जो दवा का रॉ मटेरियल होता है उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह और जो गैर ज़रूरी अज्जा पौधों के प्लांट के शामिल हो जाते हैं, जो दवा का जुज नहीं है, वो जो खारजी कसाफतें हैं उनको अलग किया जाए ताकि दवा खालिस शक्ल में, यानी कि प्योर फॉर्म में हमें हासिल हो और इसकी जो प्योरिटी है उसको यकीनी बनाया जाए। इस मकसद के लिए जो भी प्रोसेस से जो भी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब तस्फिया कहलाते हैं। लेकिन तिब में, दवा साजी में जब हम तस्फिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद वो तस्फिया होता है जो गुस्ल से, यानी कि दवा को धोकर और तस्वील के ज़रिए, यानी कि दवा को निथारने के नतीजे में जो तस्फिया का अमल किया जाता है। किसी ख़ाम दवा के अंदर कसाफतें कई तरीक़े से शामिल हो सकती हैं। ये कौन कौन से तरीक़े होते हैं जिससे जो कसाफतें, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हमारी दवा के अंदर शामिल हो सकती हैं? तो इसके कई तरीक़े हैं। पहला तरीका ये है कि कुछ कसाफतें यानी इम्प्योरिटीज़ ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में किसी दवा के अंदर शामिल हो जाती हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारी जो दवाएं रॉ मटेरियल आता है वो किसी एक जगह से लोकली हमारी दवाएं नहीं मिलती हैं, बल्कि कुछ दवाएं बाहर कंट्री से इम्पोर्ट होकर आती हैं, काफ़ी दूर दूर से आती हैं दवाइयां। तो उनका एक लंबा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के दरमियान में दवा के अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटी शामिल होती चली जाती हैं। और दूसरा होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो कसदन शामिल की जाती हैं, यानी कि उन्हें जो दवा साज होते हैं, जो दवा को बेच रहे हैं, वो उसमें कसदन यानी कि जानबूझकर उसमें दवा में शामिल करते हैं। उनका मकसद होता है कि इससे दवा को या तो हम ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं, जिससे दवा चाहे पुरानी रखी हुई है, एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन उसमें कलर वगैरह कुछ ऐसा उन्होंने छिड़क दिया या ऐसी कुछ शामिल कर दी चीज़, जिसकी वजह से दवा ज़्यादा हमारी अट्रैक्टिव बन गई, हमें लग रही है दवा एकदम ताज़ी है, इसमें से बहुत अच्छी महक आ रही है। या फिर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ शामिल कर दी, कोई दवा बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है तो उसका वज़न बढ़ाने की लोग कोशिश करते हैं, तो उसमें जानबूझकर ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर दी जाती हैं जो उस दवा से मुशाबहत रखती हैं, जिसकी वजह से उस दवा का वज़न बढ़ जाता है। तो इन सब कसाफतों से दूर करने के लिए ही हमें दवा को तस्फिया करने की, साफ करने की ज़रूरत पेश आती है। अब इसका थर्ड है कि इस तरह से कसाफतें शामिल होती हैं तो कुछ कसाफतें ऐसी होती हैं जो किसी दवा का दाखली जुज होती हैं, यानी जो किसी दवा का इंटरनल कंपोनेंट हैं। उनको कसाफत हम सिर्फ इस बिना पर कह रहे हैं कि उनको हम दवा के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस कंपोनेंट को उसका कोई दवाई इफ़ेक्ट, दवाई अफाल उसका नहीं है। ऐसे अज्जा को दवा के, ऐसे अज्जा जो होते हैं जिनका कोई दवाई अफाल नहीं है लेकिन वो दवा के अंदर मौजूद हैं, तो जाहिर है कि वो अज्जा दवा की जो मकदार ख़ुराक है, मरीज़ को जो मकदार हमें देनी है, उस मकदार ख़ुराक को ये बढ़ा रहे हैं, उसमें इजाफा कर रहे हैं। लिहाजा जो ख़ाम दवा है, जो रॉ मटेरियल है, उसको इस्तेमाल से पहले इन सब इम्प्योरिटीज़ को या इजाफी अज्जा को निकालना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो दवा की मकदार ख़ुराक है,
उसके अफ़ाल वगैरह को एक मुतय्यन किया जा सके, एक फ़िक्स किया जा सके कि हाँ इस दवा की ये मिकदार ख़ुराक है और इस मिकदार ख़ुराक पे अगर हम इसको इस्तेमाल कराएंगे तो इससे ये अफ़ाल हमें मिलेंगे। अब तस्वीर के नतीजे में क्या क्या हो सकता है ये हम जानते हैं। तो बाज़ औक़ात तो तस्फिया के नतीजे में जो दवाई अफ़ाल होते हैं, जो दवा का इफ़ेक्ट है, उसमें कोई भी फ़र्क वाक़ नहीं होता। जो दवा का इफ़ेक्ट पहले होता है वही तस्फिया के बाद भी रहता है, सिर्फ इसकी इम्प्योरिटीज़ को हमने निकाल दिया है। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि तस्फिया के नतीजे में दवा के जो खवास होते हैं, दवा की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं और उसमें नए अफ़ाल पैदा हो जाते हैं जो तस्फिया के अमल से पहले उस दवा के अंदर नहीं थे। और ये जो नए अफ़ाल तस्फिया के बाद उस दवा में पैदा हुए हैं, उन्हीं अफ़ाल की बिना पर, उन्हीं अफ़ाल के लिए हम उसको मुआलजा में यानी कि इलाज के लिए अपने मतलब में, अपने क्लिनिक में उनको इस्तेमाल करते हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि तस्फिया के नतीजे में दवा के अफ़ाल तो वही रहते हैं लेकिन उनकी जो शिद्दत होती है, उनकी जो इंटेंसिटी होती है उनके एक्शंस की, वो कम हो जाती है। जैसे आप लोग ने मुदब्बर में भी पढ़ा ये चीज़ कि हमारा मुदब्बर करने का ये मकसद ये भी होता है कि कुछ दवाओं की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है उनके अफ़ाल में, तो उनकी हमें शिद्दत अफ़ाल की कम करनी होती है। यही एक मकसद तस्फिया का भी है कुछ दवाओं के साथ कि हमें उसमें अफ़ाल को चेंज नहीं करना है, उसमें हमें अफ़ाल की शिद्दत कम करनी है उसका तस्फिया का अमल करके, और दवा हमें साफ़ भी करनी है। और जिस दवा पर भी हम तस्फिया का अमल करते हैं उसके साथ मुसफ़ा लिखा जाता है, यानी कि कोई भी दवा होगी जिसके साथ हम अमल तस्फिया करेंगे, उसको साफ़ करेंगे, तो तिब की इस्तिलाह में, दवा साजी की इस्तिलाह में उसके साथ एक लफ्ज़ का एडिशन कर दिया जाता है मुसफ़ा, ताकि हमें पता लगे कि हाँ ये दवा मुसफ़ा करनी है हमें या ये दवा मुसफ़ा हो चुकी है। जैसे अब आप लोगों के सिलेबस में 3-4 दवाओं के बारे में है जिनको हमें मुसफ़ा करने का तरीका आपको बताना है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे आपके लिए। जैसे खरातीन जो केचवे होते हैं उनको मुसफ़ा किया जाता है, तो उसके साथ एक इस्तिलाह लग जाती है खरातीन मुसफ़ा। ओके स्टूडेंट्स।